हाँ जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे थे, तो वर्क डन ऑन मास एम टू लिफ्ट इट वर्टिकली, मैंने कहा ना किसी की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें वर्क डन निकालना पड़ता है, दैट इज एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा हेयर थीटा इज जीरो एंड कॉस जीरो इज वन, तो वो कैंसिल हो गया। नाउ वर्क डन क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला, सॉरी एफ इंटू एस, एफ क्या होता है, एफ होता है एम इंटू ए, बट इस सिचुएशन में हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना उसका अपना वेट है, यानी कि फोर्स हेयर इज एम जी, एस जिसको जितना डिस्प्लेस कराना है, एंड दैट इज एम जी एच। सो वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच, बड़ा सिंपल सा, इतना सा ही वर्क हमें करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने वर्क किया है, और यहाँ पर जाकर ये बॉडी को हम पोजिशन कर देंगे, तो हमारा वर्क कहाँ जाएगा, तो आंसर कहीं नहीं जाएगा, ये वर्क डन उस बॉडी के पास अब एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, आप किसी पे वर्क करते हैं एनर्जी बन जाता है। सो दिस वर्क डन ऑन द बॉडी गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इस एनर्जी को हमने एक नाम ऑलरेडी दे के रखा है, कौन सी एनर्जी, आई मस्ट राइट पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इसीलिए आता है एम जी एच, ओके एम जी एच, दिस इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। जैसा आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के, ये तो कांस्टेंट है मास पर, जैसे ही आप किसी बॉडी का मास डबल कर देंगे, हालांकि वैसे तो मास सिचुएशन में कांस्टेंट रहता है, तो मास को लेते हैं, मास और जी ज़्यादातर कांस्टेंट रहता है, तो ये डायरेक्टली एक तरह से देखा जाए तो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जैसे ही किसी बॉडी की हाइट, सेम बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, और उसको डबल हाइट पर ले जाएंगे, कोई एक बॉडी जिसका मास एम था, आपने उसको फर्स्ट केस में किसी हाइट पर रखा, अब आप चाहते हैं नहीं हम उसकी हाइट डबल करना चाहते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगी, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जी तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, ओके दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एम स्टैंड फॉर द मास, जी जरा ऐसा यूनिट की बात भी कर लें, मास शुड बी इन ऐसा यूनिट दैट इज किलोग्राम, जी शुड बी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हाइट शुड बी इन मीटर, सो पोटेंशियल एनर्जी शुड कम इन जूल्स, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सिंपल सी डेरिवेशन है, कई बार बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, पर ये एग्जाम में बहुत बार पूछ भी लाती जाती है। ओके चलिए इसमें एक चीज और समझते हैं, जैसे मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड कर रही है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, मतलब आप किस पाथ से उस हाइट पर पहुंचे हैं ये मैटर नहीं करती, तो हम इसको चेक करते हैं, वी वॉन्ट टू चेक द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन द पाथ फॉलोड। क्या पोटेंशियल एनर्जी, हमारे मन में सवाल आता है पाथ पे डिपेंड करती है, क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि सपोज आप किसी एक पानी की बकेट को स्टेयर से अपने घर अपने फर्स्ट फ्लोर तक लेके आते हैं, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक रोप गिराते हैं फर्स्ट फ्लोर से, उस बकेट को कोई बांधता है और आप उसको खींच लेते हैं, तो पहले केस में आपने स्टेयर वाला पाथ फॉलो करा, और सेकंड केस में आप डायरेक्टली उसको लिफ्ट करके ऊपर ला रहे हैं, क्या पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करेगी। देखिए फॉर्मूला में देखिए तो मास जी और एच, जी तो हम यहाँ चेंज नहीं कर रहे, तो जी पे तो कोई चेंज हो नहीं रहा, एच चाहे आप स्टेयर से आए चाहे आप डायरेक्टली लिफ्ट करें सेम है, और यहाँ पर मास आपने कंटेनर में बकेट में वाटर भी चेंज नहीं किया है, तो वो भी चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब डिपेंड नहीं करनी चाहिए, यही हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो सपोज हम इसके दो केसेस एनालिसिस करते हैं, केस वन एंड केस टू, दो अलग अलग रास्ते से किसी बॉडी को सेम हाइट पर लेके जाते हैं। तो सपोज यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है, चलो ऐसा ले लेते हैं इस बार राउंड शेप में, और सबसे पहले हम इसको ए पोजीशन से किसी हाइट तक लेके जाते हैं एट पोजीशन बी, ये हाइट है से एच वन, ओके फिर यहाँ से हम इसको ऐसे मूव कराते हैं और एक न्यू पोजीशन पर लेके जाते हैं, दैट इज़ पोजीशन नंबर सी,
और फिर यहाँ से हम इसको फिर लिफ्ट करते हैं वर्टिकल हाइट H2 तक और एक नई पोजीशन D तक, और फाइनली हम इस हाइट पर पहुँचना चाहते थे जो कि ग्राउंड से H हाइट है, और हम इसको यहाँ पर लेके जाते हैं। चलो बना देते हैं, ये हमारी बॉडी। एक तो हमने ये पाथ फॉलो करा है, अल्टीमेटली पहुँचे तो हम H हाइट पर आए, बट हम इस रास्ते के थ्रू पहुँचे हैं। एक सिचुएशन हमारी ये बनती है कि हम उसको डायरेक्टली, यहाँ पर हमारी बॉडी है और डायरेक्टली यहाँ पर पोजीशन कर दें, डायरेक्टली कितनी हाइट पर, H हाइट पर। कैसे पोजीशन करेंगे? आंसर है कि जितना इसका वेट यानी कि एम जी डाउनवर्ड एड करेगा उतना ही हम क्या लगा देंगे, फोर्स। फोर्स किसके बराबर लगाना है, वेट के बराबर, और H हाइट पर ले जाएंगे। तो चलो पहले इसी केस को डील कर लेते हैं। अगेन इस केस में तो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं ऑलरेडी, M या वर्क से कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलिए फिर दोबारा से क्लियर हो जाएगा। तो वर्क डन ऑन द बॉडी इज अगेन एफ एस कॉस थीटा, थीटा तो जीरो है, एफ इज अगेन एम जी एंड एस इज दिस, सो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी जानते थे, डायरेक्टली भी कर सकते थे। इसको उसके इसको देखिए, यहाँ पर हमने पहले वर्क डन जो किया है, टोटल हमें वर्क डन निकालना है, उसी से हमारी एनर्जी बनेगी। तो सबसे पहले हम वर्क डन ए बी, देन वर्क डन बी सी, फिर वर्क डन सी डी, एंड लास्ट में वर्क डन अलोंग डी ई, ये टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो वर्क मिलेगा। इस वर्क से हम पोटेंशियल एनर्जी बना सकते हैं। ओके, लेट्स सी, वर्क डन अलोंग ए बी, ए टू बी ले जाने में हमने कितना वर्क किया, अगेन फॉर्मूला से चलें तो दैट इज एफ इंटू एस, एफ अगेन हमने इस बॉडी का एम जी डाउनवर्ड कर रहा है से एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, एस हेयर इज एच वन। ओके, वर्क डन अलॉन्ग बी सी, ये कौन सा वर्क कर रहे हैं हम, वो वर्क कर रहे हैं जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटी काम करती है। तो अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐसे लग रहा है और हमने डिस्प्लेस कराया है 90 पर, हमने जरूर वर्क किया उसको पुश कराने में, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी कोई वर्क नहीं हो, हम सेम लेवल पर हैं। तो अगेंस्ट ग्रेविटी कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो तो वर्क डन होता है जीरो, दिस इज जीरो। वर्क डन अलोंग सी डी इज अगेन एफ इंटू द हाइट एच टू, और अगेन डी टू ई जीरो, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूरे रास्ते में ऐसे एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्लियर? ओके, सो वर्क डन हेयर एफ इज अगेन एम इंटू जी इंटू एच वन, ये तो जीरो हो ही गया, यहाँ भी एम जी एच टू। सो वर्क डन ऑन द बॉडी या टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इज गिवन बाय एच वन प्लस एच टू, एंड फाइनली इट इज एच। कहाँ गया ये वर्क? अगेन हम तो जानते हैं हमें अगेंस्ट ग्रेविटी किया ना है, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। क्या देखा आपने? आप कोई भी पाथ फॉलो करें, पोटेंशियल एनर्जी पाथ पर डिपेंडेंस नहीं करती है। आइदर यू कैन गो दिस वे डायरेक्टली, दिस वे, बल्कि इवन आप कोई इंक्लाइंड पिन प्लेन भी रखेंगे, सपोज इस तरह से, और इसी हाइट पर आप जाना चाहते हैं, यहाँ से भी अगर आप इसको ले जाएंगे तो आप फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इस केस में भी एम जी एच ही रहेगी। ओके, होप आप इनको ढंग से कीजिएंगे, रिवाइज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और मिलेंगे। थैंक यू।